है अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में ही होता है। क्यों लास्ट में होता है? क्योंकि उसी के ऊपर पूरी चीज डिपेंडेंट रहती है। जो चार पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये सारे के सारे पॉइंट तब ही इंप्लीमेंट कर पाएंगे आप जब आप ये पांचवें पॉइंट को सबसे पहले करेंगे। तो याद रखना, मैं जो आज इस वीडियो में बता रहा हूं इसमें सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो आपको सबसे पहले करना है, और इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सब अपने घर में मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड की, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए, बिकॉज ऑफ वो आपको तभी अपने पास खड़े रहने देंगे जब आपके साथ रहकर उन्हें पॉजिटिविटी फील होती हो। अगर पॉजिटिविटी फील नहीं होगी तो कोई भी शख्स आपको अपने साथ खड़ा नहीं रखे। So, दोस्तों चले चलते हैं और देखते हैं ऐसे पांच पॉइंट जिनकी वजह से आप अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आने वाले वक्त में और अच्छे अच्छे कनेक्शंस बना सकते हैं और अच्छे अच्छे नेटवर्क्स बना सकते हैं, और इस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। और आज के दिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम किसी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम खुद सारे दिन फोन पे लगे रहते हैं। मुझे पता है आप भी मुझे अभी फोन पर ही देख रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आना, और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर चाहिए तो सबसे पहला स्टेप है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मजाक कर रहा हूं, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे सारे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझसे पूछिए वो सवाल जहां पे आप अटक रहे हैं, जहां पे आपको रास्ता नहीं मिल रहा। क्योंकि मेरा मोटो सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको ऐसी लैंग्वेज में समझाऊं, ऐसी बातों से समझाऊं जो आपको स्पष्ट तौर पर आ जाए, मतलब सीधी सिंपल भाषा में मैं आपको आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है या कौन सी ऐसी स्किल है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे पांच पॉइंट जिसको लेकर आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। अब ये ग्रेटिट्यूड क्या है, ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस में समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली ग्रेटिट्यूड होता क्या है। दोस्तों एकदम सिंपल लाइन में आपको समझाऊंगा कि ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए, खुद ब खुद पॉजिटिविटी आने लगेगी। अब ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हेलो सर, हाउ आर यू, ग्रीट करना, सॉफ्टली बात करना, एक दूसरे के लिए जो हमें मिला है उसके लिए थैंक्स बोलना, और जो हम दे रहे हैं किसी को उसके लिए घमंड ना करना, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, जो किया वो ऊपर वाले ने किया, और अगर आपको कुछ मिला तो जरिया वो बना। इसीलिए ग्रेटिट्यूड देना सीखिए, हर बात पे सॉरी, थैंक यू, इट्स ओके बोलना सीखिए, क्योंकि जब जब ये वर्ड्स आप बोलना शुरू करेंगे तब तब आपको लोग पॉजिटिव वे में देखना शुरू करेंगे, और जब आपको लोग पॉजिटिव वे में देखना शुरू करते हैं तब आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी, और वो एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी। पहला क्या था? प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, दूसरों को आभार देना शुरू करिए, वंदन करना शुरू करिए, लोगों को प्यार मोहब्बत से मिलना शुरू करिए। चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, और हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है ये रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब भी शांति से बैठते हैं या कहीं ध्यान में बैठते हैं तो उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। अब बुरे ख्याल क्यों आते हैं? क्योंकि उनका जो ऑरा है ना वो नेगेटिव वाला है। जब नेगेटिव वाला ऑरा आता है तब ये बुरे ख्याल शुरू होते हैं। अगर कोई लेट हो जाता है, समझना, अगर कोई आपके घर पे लेट हो जाता है तो आप अच्छा नहीं सोचोगे, आप बुरा ही सोचोगे, कहाँ अटक गया, कहाँ रह गए, क्यों अभी तक आया नहीं है, क्या हो गया है, किस तरीके की बातें सारी चीजें, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी माइंड में घूम रही है, तो हमेशा ऐसी ही बातें आएंगी। आप समझिए, अगर आप लेट हो गए तो हो सकता है कुछ बेहतर हो रहा, ग्लास टूट गया कुछ बुरा होने वाला है, बिल्ली काट गई कुछ बुरा होने वाला है, अरे ये सारी चीजें नेगेटिविटी की निशानियां हैं। कुछ भी हो,
थिंक पॉजिटिव। आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है उसको रीफ्रेम करिए। अब नेगेटिव थॉट्स कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? तो नेगेटिव थॉट्स कौन सी है ये पता करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, सुनना पड़ेगा कि सामने वाला जो कह रहा है उसे आपको सुनकर समझना पड़ेगा। और अगर कोई आपको कहता है कि नेगेटिव, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, तो सोचो कि किस तरह से आप नेगेटिव में हो। अगर आप नेगेटिव हो तो सबसे पहले ये समझ लो कि आप सबसे ज्यादा ना वर्ड का यूज करते हो। जितना ज्यादा आप ना वर्ड का यूज करोगे उतनी नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएंगी अगर आप हर चीज में ना बोलते जाओगे। सो रीफ्रेम योर नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट है हमारा सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अपने आसपास इतनी पॉजिटिविटी भर दो कि नेगेटिविटी चाहे ना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन कभी भी आपका पॉजिटिविटी दूर ना कर, आपको टच ना कर पाए नेगेटिविटी। ऐसी ताकत लगा, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहो। हारने वाला इंसान वो नहीं है जो सच में हारता है, हारने वाला इंसान वो है जो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। हारने वाला इंसान वो नहीं है जो हार जाता है, हारने वाला इंसान वो है जो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। अब ये पार्टिसिपेट नहीं करने वाला इंसान कौन है? ये वो इंसान है जो नेगेटिविटी के सराउंड में रहता है। अरे यार, जब तू हार ही जाने वाला है तो पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत है? दिस इज द फर्स्ट थिंग आपको पता चलेगा कि आपके सराउंड में कैसे लोग रहते हैं। एक तरफ बोलने वाला ये बंदा है और एक तरफ ये बोलने वाला, देख अगर हार जाएगा ना तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक्सपीरियंस तो गेन करेगा। दिस इज द पॉजिटिविटी। आप ऐसे शब्दों के थ्रू जजमेंट कर सकते हैं कि कौन सा इंसान आपके साथ पॉजिटिव रहता है और कौन सा इंसान आपके साथ नेगेटिव रहता है। जो इंसान आपके साथ हमेशा नेगेटिविटी बात करे उस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए, और जो इंसान आपके साथ पॉजिटिविटी बात करे हमेशा उसके आसपास रहिए, क्योंकि वो आपको सलाह भी सही देगा। और सही सलाह देने वालों के साथ हमेशा रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो कड़वा बोलेंगे लेकिन सही बोलेंगे। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे, और हमारा चौथा पॉइंट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस रहना बहुत जरूरी है, शांत मन रखना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को एनहेंस करने के लिए, मतलब जागृत करने के लिए, आपको अपने मन को शांत रखना पड़ेगा। इसलिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कैसे हो सकती है? आप प्राणायाम कर सकते हो, आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि माइंडफुल के ऊपर, क्योंकि माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है आज की लाइफ में। आप 12 घंटा 16 घंटा 15 घंटा काम करते हो, फिजिकली मेंटली बहुत थक जाते हो, क्यों? क्योंकि पूरे दिन आपके मन में टास्क वगैरह चलते रहते हैं, काम वगैरह चलते रहते हैं, पैसा लेना देना, काम करना नहीं करना, किसी ने काम किया नहीं किया, आपके झगड़े, आपकी बवाल वगैरह, जो भी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें पूरे दिन आपके साथ रहती है। लेकिन अगर आप माइंडफुलनेस पर्सन है, अगर आपको आपके मन को कंट्रोल करना आता है, तब भी आप बहुत अच्छे से ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे ऑरा वही लोग क्रिएट कर पाते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए आपको आपके मन को बहुत ही शांत रखना पड़ेगा, माइंड को एकदम कूल रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करवाएंगे, और वो एटीट्यूड होगा पॉजिटिविटी का। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। पांचवा और आखिरी पॉइंट, पता है अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में ही होता है। क्यों लास्ट में होता है? क्योंकि उसी के ऊपर पूरी चीज डिपेंडेंट रहती है। जो चार पॉइंट मैंने आपको बताए ना, ये सारे के सारे पॉइंट तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे आप जब आप ये पांचवें पॉइंट को सबसे पहले करेंगे। तो याद रखना, मैं जो आज इस वीडियो में बता रहा हूं, इसमें सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो आपको सबसे पहले करना है, और इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो
जो ये 5 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस 5 पॉइंट में से इन 4 पॉइंट्स पे अमल तभी आप कर पाएंगे जब ये 5वें पॉइंट को आप सबसे पहले करेंगे। और 5वां पॉइंट है केयर योर सेल्फ, अपने आप की केयर करो। सैलून में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, जिम में जाओ, एथलेटिक ज्वाइन करो, स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप की केयर करो। अपने आप को फिट रखो, अच्छा डाइट फॉलो करो, सुबह जल्दी उठो, अच्छी किताबें पढ़ो और सारी वो चीजें करो जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। चाहे वो वीडियो गेम खेलना हो, चाहे आपके कंप्यूटर पे काम करना हो, चाहे यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने हो, या किसी को टीचिंग देनी हो, या किसी के साथ आउटडोर घूमने जाना हो, ट्रैकिंग करनी हो, ऐसी कोई भी चीज अगर आपको करनी है आप बिल्कुल करिए। क्यों? क्योंकि आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी। आप जब तक अंदर से खुश नहीं होंगे तब तक आप बाहर किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। और बाहर जब किसी को खुश रखना है उसके लिए आपके अंदर चाहिए पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी तभी आएगी जब आप अंदर से खुश होंगे। अगर आपके अंदर ही निराशा रहेगी, अगर आपके अंदर ही निराशा रहेगी तो पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है? So, दोस्तों ये थे हमारे 5 पॉइंट। तो चलिए एक बार वापस इन 5 पॉइंट को समराइज कर लेते हैं ताकि आपको ये पॉइंट्स याद रह जाए। और अगर याद ना रहे तो एक किताब में लिख लीजिए या फिर एक इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन पे लगा लीजिए। जब तक आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आ जाता तब तक ये आपकी फोन की स्क्रीन पे होना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। दूसरा जो पॉइंट है वो है रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स। तीसरा जो पॉइंट है वो है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। चौथा जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और पांचवा जो है वो है टेक केयर योरसेल्फ। सो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और प्लीज लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि शायद आपको इस वीडियो की जरूरत है या नहीं पता नहीं, लेकिन आपने ये वीडियो देखा है ना तो जरूर आप किसी ऐसे को जरूर जानते होंगे जिनको इन वीडियो की जरूरत है, जिनको पॉजिटिविटी की जरूरत है। तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्या पता इस वीडियो के थ्रू एक छोटी सी पॉजिटिव चेंज उनकी लाइफ में आ जाए। और हमेशा मैं कहता हूं एक छोटा सा कदम हर रोज आप बदलेंगे, एक छोटा सा कदम हर रोज आप बदलेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन बदलना जरूर हर रोज है, एक कदम। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।